नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एसबी न्यूज में। आइए लुक करते हैं कुछ खास खबरों की। बद्री नारायण मिश्र किसान इंटर कॉलेज लेबुड़वा फौजदार पुरवा के अध्यापक ने ठाना है हर घर घर तिरंगा फहराना है। जोश और जज्बे के साथ प्राचार्य राजेश कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में रैली निकालकर क्षेत्र के गांव में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में जुटे विद्यालय के अध्यापक एवं छात्र छात्रा। बलरामपुर तराई क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगा रहे बद्री नारायण मिश्र किसान इंटर कॉलेज लेबुड़वा फौजदार पुरवा के छात्र छात्राओं एवं अध्यापक गणों ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे तथा देशभक्ति गीतों के साथ दर्जन भर गांव में हर घर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए लोगों को प्रेरित कर 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव पर्व के तहत विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। विद्यालय के अध्यापक गण आज़ादी के जश्न में डूबे हुए नजर आए, तिरंगे लहराकर देश प्रेम का संदेश दिया। इस अवसर पर प्राचार्य राजेश कुमार मिश्रा, प्रवक्ता करताराम यादव, अध्यापक रक्षा राम यादव, सुखदेव तिवारी, स्वामीनाथ मिश्रा के कुशल नेतृत्व में तिरंगा विद्यालय परिसर से निकालकर फकीरी डी उदयपुर खैरानिया भुजहरा खैरानिया गंजड़ी नारायणपुर से होकर पुनः वापस विद्यालय परिसर पहुंचा। इस दौरान विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं अध्यापकों के हाथों में झंडा शोभा दे रहा था, राष्ट्रीय गीत बजाए जा रहे थे, छात्रों में देशभक्ति जज्बा देखा गया और अध्यापकों ने ठाना है कि हर घर तिरंगा फहराना है। इस मौके पर अरुण कुमार द्विवेदी, अनिल कुमार पाल, राम अनुज गौतम तथा भारी संख्या में छात्र छात्राएं सम्मानित ग्रामीण मौजूद रहे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा नारायण मिश्रा किसान इंटर कॉलेज लेबुड़वा फौजदार। आज तीसरे दिवस की रैली है जो विद्यालय प्रांगण से निकलते हुए भुजेरा गंजड़ी और खैरानिया के लिए रवाना की गई है, जो खैरानिया से वापस जाकर फिर पुनः विद्यालय प्रांगण में पहुँच कर समापन कर दिया। यादव बद्री नारायण मिश्रा किसान इंटर कॉलेज लेबुड़वा फौजदार पुरवा के अंतर्गत आज ये अमृत महोत्सव घर घर तिरंगा के रूप में आज हमारे विद्यालय की ये तीसरी रैली है जो आज विद्यालय से होते हुए फगरीडी खैरानिया उजेहरा गंजड़ी नारायणपुर होते हुए लछुआपुर फिर खैरानिया से रिटर्न होते हुए और पुनः विद्यालय के लिए प्रस्थान कर रही है। हम सभी लोग इस अमृत महोत्सव के रूप में घर घर जाकर अपने बच्चों के साथ पूरे वेशभूषा में तिरंगों के साथ प्रत्येक गांव में जागृत करते हैं। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त के शुभ अवसर पर ग्राम पंचायत निवलगंज के प्रधान राम निवास गौतम ने समस्त क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी है।